सो वेलकम अगेन फ्रेंड्स इन योर चैनल ऋतिक शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। ये जो मेरा बायोलॉजी के ऊपर टॉपिक चल रहा था प्रोटीन, इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट जितने भी एस्पेक्ट हैं सब कवर किए हैं, लेकिन कुछ जो हैं बचे हुए हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और मेरे हिसाब से इससे बाहर जो है कोई एमसीक्यू अभी तक आया नहीं है और ना ही आएगा। अब मैंने पूरा चैप्टर नहीं लिया है, मैं सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करता हूँ जहाँ पर आप जो है अटक सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक देखते हैं हम प्रोटीन के ऊपर, आज एम सी क्यू ट्रिक और प्रोटीन का जो टेस्ट है वो दिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ऊपर सीधा क्वेश्चन ये बनता है, प्रोटीन जो कि गैस को कंटेन करती है या फिर ट्रांसपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल जैसे CO2 और O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है शरीर के अंदर वो किससे होता है, हीमोग्लोबिन। अब इस पर क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को जो है कैरी कर सकता है। तो साहब कितने को, चार को कैरी कर सकता है, ठीक है। चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और ब्लड में ला के छोड़ देता है, वो हम बाकी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे, अभी आप इतना समझ लो। एक है GLUT4। देखो GLUT4 प्रोटीन जो है ऑलरेडी ये एक एम्स के असेशन रीजन के अंदर आ चुका है। इसके अंदर क्या होता है कि इसका काम जैसे ये सेल है और यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, तो ये जो प्रोटीन है इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लाने का काम करती है, ठीक है। अब पी प्रोटीन की बात करता हूँ, पी प्रोटीन होती है जी फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कि जो फ्लोएम है के अंदर जो है सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है, तो सीधा सा क्वेश्चन ये नीट में भी आ चुका है कि वो प्रोटीन जो कि फ्लोएम से सोल्यूट के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है हेल्पफुल होती है वो कौन सी होती है, पी प्रोटीन होती है। तो आप इन MCQs को हैं जो डायरेक्टली लिखते जाइए, मैं इस वजह से ऐसे लिख देता हूँ जिससे ज़्यादा चीज़ें क्या होती है कवर हो पाती हैं। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ फिर आंसर लिखूँ फिर क्वेश्चन फिर आंसर, तो ज़्यादा काम का बोर्ड बढ़ता है और जो है टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्राइड प्रोटीन। ड्राइड प्रोटीन वो होती है जो कि किसी एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन बनी हो, उसे बोलते हैं ड्राइड प्रोटीन। देखो ड्राइड प्रोटीन की सीधी सी जो है डेफिनेशन ये हो सकती है कि कोई भी प्रोटीन जो आपने खाई है लेकिन उसका जो डाइजेशन है वो इनकम्प्लीटली हुआ है, तो उसको बोलते हैं ड्राइड प्रोटीन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप प्रोटीन खाते हैं तो उसका जो डाइजेशन है वो शुरू तो हो जाता है पैंक्रियाज से, लेकिन जो कम्प्लीट होता है वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके उसका कम्प्लीट डाइजेशन होता है। तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो पूरी डाइजेस्ट हो गई, लेकिन पैंक्रियाज के अंदर जो है वो इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट थी। यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या, ड्राइड प्रोटीन। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन के प्रोटीन है और फाइब्रिनोजन है, ये जो है ब्लड क्लोटिंग में काम में आता है। तो देखो प्रोटीन है और प्रोटीन का आपने डाइजेशन जो है पैंक्रियाज में हुआ तो क्या बनता है उससे, उससे बनता है जी पेप्टोन्स या प्रोटीओसिस। अब पेप्टोन्स या प्रोटीओसिस से कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे तो अमीनो एसिड बनेंगे, फिर अमीनो एसिड का डाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो डाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए ये पेप्टोन्स और प्रोटीओसिस क्या हो गए, ये ड्राइड प्रोटीन हो गई, ठीक है। और इसी तरह फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन का इनकम्प्लीट डाइजेशन से फाइब्रिन बनता है, ये भी क्या हो गई, ड्राइड प्रोटीन हो गई, ठीक है। अब एक जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा थ्योरेटिकली लिखा है जिससे समझ में आ जाए, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। आप जानते हो कि ऐसे सिर्फ तीन ही ऑर्गन हैं, ऑर्गेनल हैं जिनके अंदर जो है डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये सभी क्या है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका डिस्कशन कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का जो है कंसंट्रेशन कंपोजिशन है ये दोनों मेम्ब्रेन का, तो आउटर मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है वो 51% है, लिपिड 47% है और कार्बोहाइड्रेट 1% है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर 76% प्रोटीन है, 23% लिपिड है, 1% कार्बोहाइड्रेट। देखो क्वेश्चन क्या आया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के अंदर से जो है ज़्यादा परमिएबल कौन सी होती है, तो याद रखना कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है कम होता है। इसी वजह से अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो है ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से बनता है पायरविक एसिड, और ये जो पायरविक एसिड है ये क्रेब साइकिल के अंदर जाता है, तो वहाँ पर पहले गेटवे रिएक्शन होती है और फिर जो है ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है और वहाँ पर ये बनता है एसाइल को
कोएंजाइम के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है एंटर करता है, ठीक है। यानी कि अगर जो है इनर मेम्ब्रेन भी परमिएबल होती तो पायरुविक एसिड डायरेक्ट ही चला जाता, उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं रहती, लेकिन वो कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो कम परमिएबल होती है इन कंपेरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा भी बता दिया है भाई, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड। इस पे से एक एमसीक्यू लिखता है, मैंने यहाँ पे ड्राइव नहीं किया, आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऐसी कौन सी सेल होती है, ठीक है, ऐसी कौन सी सेल होती है जिसके अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी में जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यानी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है, आप इसको जो है लैंग्वेज बना लीजिएगा, वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। एक बारी तो इस ये क्वेश्चन इस तरह से आया, दूसरी बारी क्वेश्चन ऐसे आया कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं शरीर में हमारे जो कि एक बार डिवाइड होने के बाद में दोबारा डिवाइड नहीं होती हैं। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही था, वो था न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स होती हैं हमारी, ऐसा कहा जाता है अगर चोट लगने के दौरान न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएं तो जो है वो वापस डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंदर जो है डिवाइडेशन की कैपेसिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके अंदर सेंट्रोमियर जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट किस में नहीं होता, न्यूरॉन्स के अंदर नहीं होता, और इनके अंदर जो है दोबारा से डिवाइडेशन की कैपेसिटी भी इनमें नहीं होती, सेंट्रोमियर इज ऑलमोस्ट एबसेंट, ठीक है। और एक जो है मैंने ड्राइव किया है प्रोटीन का टेस्टिंग। देखो प्रोटीन का टेस्टिंग किया जाता है बायोरेट टेस्ट, ये सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट है, इसलिए मैंने इसी को डिस्कस किया है। क्या होता है नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रोटीन सॉल्यूशन आपने ले लिया, अब आपको पता लगाना है कि जो सॉल्यूशन लिया है इसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो उस प्रोटीन सॉल्यूशन के अंदर आप डालो कॉपर सल्फेट, यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ठीक है। फिर जब कॉपर सल्फेट आप डालोगे तो उससे होगा क्या कि जो कलर आएगा वो ब्लू कलर का आएगा। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है, हालांकि केमिस्ट्री का है, मैं बता देता हूँ कि अगर कभी भी कॉपर डालने पर वो ब्लू कलर शो करता है, इसका मतलब कॉपर वहाँ पर Cu+ की फॉर्म में जो है प्रेजेंट है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्यूप्रस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो प्रोटीन सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट डालने पर वो ब्लू कलर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे एसिड 20% जो कि जो है कलरलेस कर देगा सॉल्यूशन को, यानी पहले ब्लू था अब कलरलेस हो गया, इससे कन्फर्म हो जाएगा कि वो क्या है, प्रोटीन है। एक बार ये जो क्वेश्चन है वो जिपमर के अंदर आया हुआ था, तो मैंने आपको इसका पूरा जो है थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, मैं पूरी स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। सो फ्रेंड, दिस इज टुडे लेक्चर फ्रॉम रितिक शर्मा केमिस्ट्री क्लासेज ऑन प्रोटीन। अभी मैं आपके लिए जो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कि एमसीक्यू ट्रिक और टेस्ट, एमसीक्यू हमारे हो गए हैं, टेस्ट भी हो गया है, ट्रिक्स बच रही है। ट्रिक मैं बताऊंगा, जैसे कि आप ये पता लगा सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से ही आपको ये पता लग जाएगा कि जो चीज़ दी गई है वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ट्रिक है वो तैयार है। देखिए, आप इन कंसंट्रेशन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से ही बता पाओगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या लिपिड है। और इसके ऊपर मैं जो है ये याद रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं भाई जी, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सब एमसीक्यू है, नोट डाउन करते रहिए आप लोग, ठीक है ना। देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर कहीं पे भी आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दे भाई, मान लो ऑप्शन दे दिए दो तीन और पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्मूला दे दिया, तो आप देखना कि ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो सिमिलर हो, यानी कि 1:1 का रेशो हो, या अगर ये रेशो भी नहीं मिलता है तो इतना तो ज़रूर होगा कि कार्बन जिस रेशो में होगा उसी रेशो में ऑक्सीजन भी होगा, ये तो नेसेसरी है, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज, तो कार्बन 6 है तो ऑक्सीजन भी क्या है, 6 है, और हाइड्रोजन क्या होगा, डबल होगा, तो वो वैलेंसी के लिए होता है। आप ये याद रखना, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है रेशियो कितना होता है, ठीक है। अगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी भी रेशो में हो, प्लस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये समझ लेना वो कंपाउंड क्या है, प्रोटीन है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अभी तो क्या था कि यहाँ 1:1 था कार्बन और ऑक्सीजन का, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाए कि जो है कार्बन का रेशो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो, यानी कार्बन मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं लिपिड। अब इस पे से क्वेश्चन कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये आया कि जो है ऑप्शन में दे दिया प्रोटीन, लिपिड,
कार्बोहाइड्रेट और ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन ये था कि किसको डाइजेस्ट करने के अंदर जो है ज़्यादा एनर्जी बर्न करनी पड़ेगी। तो लगाओ दिमाग। चलो मैं बता देता हूँ। देखो कि मैंने बोला कि यहाँ पर कार्बन का जो है रेशो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के। इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन कम है। इसका मतलब ये एक मतलब लीस्ट ऑक्सीजन हैविंग ग्रुप हो गया। यानी इसका ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी बर्न करनी पड़ेगी। क्यों?